रामकुमार वर्मा। बिल्कुल पीछे बैठे रहिए। आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, और मुझको राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर, जिसको 29 जनवरी 2018 को संसद के संयुक्त सत्र में उनके द्वारा दिए गए अभिभाषण से हमारे देश के प्रधानमंत्री 10 मिनट, जिनको मैं कहूँ कि न केवल भारत के लिए अंदर विश्व के अंदर भी एक अद्भुत व्यक्तित्व है, मिशन है, उनकी प्रतिबद्धता है देश के प्रति और करोड़ों करोड़ों वो पीड़ित लोगों के प्रति। उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने जो पिछले 3 वर्ष के अंदर जो कार्य किए, उन उपलब्धियों के साथ में ये भी उसके अंदर बताया है कि हमारी भविष्य की प्रतिबद्धता क्या होगी। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं में और हमारे भी हमारे सम्माननीय पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी ने, और इसी तरह से डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने और मलिक जी ने भी बहुत विस्तृत में भी बताया है, हर पहलू को टच किया है। तो मैं समझता हूं कि मेरे लिए टाइम कितना होगा सभापति जी, उपसभापति जी, प्लीज टाइम। अच्छा, तो मैं उस डिटेल में नहीं जा करके, उस डिटेल में नहीं जा करके मैं अपनी बात को ये कहना चाहूँगा कि आज 70 वर्ष आज़ादी के बाद में जब देश में ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार बनी, और भारत सरकार बनने पर निश्चित है जो कार्य एक इसके अभिभाषण की प्रारंभिक पंक्तियों में भी बताया है, और जिसका कि हमारे माननीय विपक्ष के हमारे नेताओं ने, अनुभवी नेताओं ने कहा कि अमित शाह साहब ने कुछ नाम नहीं लिए, लेकिन मैं नाम लेना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति महोदय ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का नाम लिया, और उन्हीं के साथ में मैं कहूँ तो उनके नाम को इसलिए लिया गया और उसके साथ मुक्ति गया कि देश के अंदर उन्होंने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ में आर्थिक और सामाजिक, अगर लोकतंत्र सामाजिक न्याय और आर्थिक लोकतंत्र नहीं हुआ तो ठीक देश के लिए ठीक नहीं होगा। उसी के मद्देनज़र रखते मैं मेरे प्रतिपक्ष के और विपक्ष के बहुत सीनियर और उनसे जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि आज देश की जनता ने उन्होंने नकारा है, देश की जनता ने उनको इग्नोर कर दिया है, और निश्चित है कि उनके अंदर हताशा होनी है कि पूरे भारत के अंदर वो देश जिसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रण किया था, आने वाले समय में जब सत्ता में आएंगे तो देश से भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे, और साथ में जो गरीब, जो निर्धन है, जो किसान है, जो मजदूर है, जो युवा निराशा में डूब रहा है, जो किसान है, महिला है, उसके उत्थान के लिए वो योजनाएं लाएंगे जिससे कि रियल और वास्तविकता में उनका उत्थान हो। उसी के मद्देनज़र लेकिन आज मुझे अफसोस के कहना पड़ रहा है कि आज जब उस वर्ग की बात की जा रही है, वर्ग की बात नहीं की जा रही, वर्ग के कार्य और परिणाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन आज जिस पार्टी ने 55 वर्ष तक शासन किया हो, निश्चित है कि जब देश से उसका बुरा का पूरा जो एक छत्र राज था वो खत्म होने को हो और समाप्त होने को हो, तो स्वाभाविक ही उसकी तड़पन, उसका फ्रस्ट्रेशन प्रकट होता है। और आज उन्होंने एक ही कहे कि हम एक झूठ को 100 बार बोले, और 100 बार झूठ को बोलने से उसका सत्यता और इस तरह की बातें करें तो शायद जनता भारत की फिर हमारे गुमराह हो जाए। उसी को आधार बना करके उन्होंने बरसों तक ये कहा, गरीब के लिए सोचा कि गरीब को गरीब रहने दीजिए, भूखे को इतनी रोटी दीजिए कि वो अपना जीवन यापन कर ले, लेकिन उनका साधन संपन्न इतना विकसित नहीं करेगी जिससे आने वाले समय में आर्थिक दृष्टि से मजबूत होने के साथ साथ में वो शिक्षा के बल पर आ जाए और अपने अच्छे बुरे की पहचान हो जाए। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने
मैं बात करना चाहता हूं, अभी कह रहे थे जनधन योजना के द्वारा, क्या ये मैं कहता हूं कि ये हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने कहा था ग्रामीण अर्थव्यवस्था उस गरीब के लिए हमें समर्पित होना चाहिए, क्या जनधन योजना के द्वारा 32 करोड़ लोगों को खातों से जोड़ना और 73 करोड़ करीब उसके अंदर उन गरीबों का पैसा उसके अंदर बचत के रूप में आना, और जो आज उसकी मेहनत की मजदूरी जो आती है, तो उस समय में जब ये सरकार नहीं थी देश के अंदर त्राही था, और ये त्राही इतनी थी कि मेहनत करता था, मजदूरी करता था, चाहे मनरेगा के माध्यम से करे वो, चाहे भारत सरकार की योजना या राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से करे, लेकिन उसका पैसा दलाल और बिचौलियों के द्वारा उसको नहीं मिलता था। लेकिन आज इसका इस देश का सौभाग्य है, और उन गरीबों के लिए भी एक आज नरेंद्र मोदी जी मैं कहूँ, इस देश के लिए जो बातें बहुत करी थी लेकिन मसीहा के रूप में आज गरीबों के उत्थान में बात करूँ, आज जनधन योजना से लेकर के उनके आत्मसम्मान को तो बढ़ाया है, देश की बैंकिंग व्यवस्था से अर्थतंत्र के उनको जोड़ा ही है, लेकिन उसकी मजदूरी का मेहनत का जो पैसा है, जो सेवानिवृत्ति लोग हैं, जो वृद्धाजन हैं, उसके साथ साथ में हमारी विधवाएं माताएं और बहनें हैं, उनकी पेंशन का भी पैसा उनको मिल रहा है, क्या ये मैं कहूं कि महात्मा गांधी जी का सपना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का सपना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना नहीं था? जो आज कुछ कहते हैं कि ये सरकार बातों से काम भी आंकड़े हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मैं पूछना चाहता हूँ और मैं ये चिंतन करने की बात है कि क्या 55 वर्ष के कार्यकाल में आपने 3,20,00,000 लोगों को जो गैस के चूल्हे दिए गए, क्या ये कहेंगे कि आपने तीन करोड़ बीस लाख तो नहीं, लेकिन अगर आंकड़ा किसी गांव का ये बता देंगे कि हमने 3 आदमियों को गैस के चूल्हे दिए हों, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा। साथ में ये भी, ये नहीं है उस गरीब को जिसके पास में धुआं में जिसकी माँ और बहन कार्य करती थी, स्वास्थ्य खराब होता था, उसका आत्मसम्मान गिरा हुआ था, लेकिन आज इस देश के अंदर 3,20,00,000 लोग जिनको जैसे महिलाएं माताएं जिनको चूल्हे मिले उनके आत्मसम्मान बढ़ा है, तो इन योजना के माध्यम से उस गरीब को मदद मिली है, और आज टारगेट रखा कि 8 करोड़ को ये होगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की हम बात करें, दिव्यांगजन की बात करें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो लागू होने लागू है, और उसके बाद में एक बहुत ही बड़ा स्वास्थ्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत में 10 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा, बहुत सारी बातें। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, टाइम नहीं लूंगा, पिछली बार मैंने आपको वो किया, विद इन टाइम आई कंप्लीट माई कंक्लूडेड योर स्पीच, करता हूँ 1 मिनट खत्म हो गया, नहीं 1 मिनट ओनली 1 मिनट। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज ये समय आ गया है, विपक्ष के लोगों को भी सोचना चाहिए, वो मिलकर के सकारात्मक दृष्टिकोण से भारत सरकार ने जिस तरह की नीतियां बनाई है, निर्णय लिए है, चाहे नोटबंदी का है, चाहे जीएसटी का है, चाहे वन रैंक वन पेंशन का है, उनके साथ में सहयोग करते हुए उस गरीब को जो धन्यवाद 8 बजे हो गया, हमें अपना सहयोग दे न की झूठे सच्चे प्रचार करके और गुमराह करने के लिए, क्योंकि 8 बजे हो गया, समझ गया है, टाइम आ गया, धन्यवाद। ओके, अच्छा नाउ आई हैव